बहुत ही सुंदर है ये पैटर्न, सुंदर है बिकॉज न्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, कलर वर्क, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर, मतलब ये शूज से तो नजर ही नहीं हट रही एक्चुअली. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग निविया में इतने वैरायटीज आ रही है सीरियसली. दिस इज शूज वाज बाय 8,000-7,000 ऑनवर्ड्स. माय नेम इज गुलाब शाली, मैं टीम की कैप्टन हूँ. दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड दिस इज माय फोर्थ इंडियन रेलवेज एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ बट आई जॉइन साउथ सेंट्रल रेलवे तेलंगाना. हेलो आई एम बांधव्या, आई एम फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर. प्रेजेंटली आई एम प्लेइंग फॉर इंडियन रेलवेज एज अ शूटिंग गार्ड. हम लोग को टूर्नामेंट्स खेलने आने के लिए हमको लीड के लेके, अब हम जीत अगर ये जीतते हैं, अगर फाइनल कल जीतते हैं तो हमें फुल डे स्पेयर होता है, ऑफिस नहीं जाना होता. 1 ईयर 365 डेज हम लोग को स्पेशल सेल होता है एंड ऑफिस वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं. मेरा सजेशन है कि जिसको भी रेलवेज मिलता है गो फॉर रेलवेज बिकॉज रेलवेज इज द बेस्ट. हुई मतलब इंडिया में वीमेंस के लिए यही एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन रेलवेज में, सो रेलवे में, सो का भी मिलेगा तो भी ठीक है, रेलवे में ज्वाइन करने सेफ है. एक्चुअली बॉयज को बहुत ऑप्शन है, गर्ल्स को सिर्फ रेलवे. इंडिया में इनकम टैक्स है, बॉयज को बहुत है पर गर्ल्स को सिर्फ रेलवे है. ऐसे कंपेयर करके तमिलनाडु बहुत इम्प्रूव हो गया है लाइक इनकम टैक्स. अभी केरला में भी KSEB पुलिस ऐसे ऐसे सब स्टेट में ऐसे अपॉर्चुनिटी दिया तो वुमेन्स के करेक्ट और इम्प्रूव होगा इंडिया. तमिलनाडु इज गिविंग मोच अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स. पहली बात तो दूसरी टीमें आती हैं, इन्जॉय करती हैं, उनको पता होता है कौन से मैच पर हम पे बहुत प्रेशर होता है. पहली बात हमको एक एक मैच को 40 पॉइंट से जीतना होता है, हम वो प्रेशर लेके चलते हैं ऑलवेज क्योंकि हमें अपना इमेज भी मेंटेन करना है, रेलवेज की मतलब वो भी मेंटेन करना, सब मेंटेन करना है. तो हम ऑलरेडी प्रेशर में रहते हैं, मैच में भी प्रेशर में रहते हैं, बाहर भी प्रेशर रहते हैं, रूम पर भी प्रेशर रहता है हम पे ऑफकोर्स मेंटेन करने के लिए हमारा इमेज. मतलब अभी एग्जांपल अभी क्राउड पूरा तमिलनाडु को सपोर्ट कर रहता है, सो इंडियन रेलवेज ऑपोनेंट ही रहता है सब लोग क्योंकि इंडियन रेलवेज ऑब्वियसली सब इंटरनेशनल प्लेयर्स ही है सब पूरा टीम, सो वही हम लोग का चैलेंज ही है. नो जस्ट वी आर स्टेइंग फ्री कि हम लोग क्योंकि हम सब में ऐसा कोई नहीं होता है कि कोई अंदर 10-40 मिनट खेलेगा, सबको चांस मिलता है और सब फ्री होते हैं. इंडियन रेलवेज में तो टीम जीतेगी ऐसा रहता है, तो चिल रहते हैं मतलब कि हाँ मैचेस पड़ेंगे जीतना ही है वैसा. तो ये अभी जैसे ऐसा होता है कि अभी बहुत चीज़ें चेंज हो रही है, BFI है, न्यू आया है इसके वजह से, बट जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं गर्ल्स को वो अच्छा लग रहा है देखते हुए. एक्चुअली निव्या बहुत सपोर्ट भी कर रहा है फोटो शूट से लेके सब कुछ. अभी मतलब पहले ऐसा होता नेशनल्स में कुछ मिलता नहीं था, अभी फोटोज से लेके सब कुछ फोटो शूट वगैरह तो थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है बास्केटबॉल में, तो इट्स गुड. लाइक ऐसा फैसिलिटीज मिले तो प्लेयर्स को मोटिवेट होता है, लाइक निव्या इज द वन हु इज डूइंग राइट नाउ. या ऑफकोर्स पहले अगर जिसके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको हर्स्ट अगर खेलने जा रही है तो शूज़ किड शॉर्ट्स वो लगते ही है. जैसे मैं छत्तीसगढ़ में जब ज्वाइन किया मेरे कोच राजेश पटेल सर है, नाउ उनका डेथ हो चुका है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में ईच वन मतलब जो भी लड़की उनको उन्होंने इतनी हेल्प की शूज़ से लेके कपड़े से लेके सब कुछ. तो आज उनके वजह से छत्तीसगढ़ मतलब पूरे इंडिया में सारे रेलवे में छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ हैं उनके वजह से. तो शूज़ मतलब उस टाइम में सर ने इतनी हेल्प की हमारी, तो अगर अभी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी गर्ल्स को मिलता है जिनके पास फाइनेंशियली नहीं है इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. लाइक मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, लाइक मिडिल क्लास का फैमिली को स्टार्टिंग ऑब्वियसली बास्केटबॉल शूज़ बोले तो कॉस्टली है, लाइक एंकर शूज़ अच्छा वाला शूज़ चाहिए तो बहुत कॉस्टली है. बट मिडिल क्लास फैमिली और प्लेयर्स आते तो उन लोग को कोई मतलब स्पॉन्सर ऐसे किया तो बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों को स्टार्टिंग से. उन लोग को भी खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कोई फॉरवर्ड आके स्पॉन्सर. एक्चुअली दिस शूज वॉज वेरी नाइस, एक्चुअली हम जब आए थे इसे नज़र नहीं हट रही थी, बहुत ही सुंदर है ये पैटर्न, सुंदर है बिकॉज न्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, कलर वर्क, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर, मतलब ये शूज से तो नजर ही नहीं हट रही एक्चुअली. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग निविया में इतने वैरायटीज आ रही है सीरियसली. दिस इज शूज वॉज वेरी 8,000-7,000 ऑनवर्ड्स. 1,500 is it? Really? Wow, yeah, this is so nice. इतना कम्फर्ट है तो प्रैक्टिस में हम लोग क्योंकि वैसे भी एक प्लेयर को शूज एडजस्ट करने के लिए 15 डेज तो लगते हैं और अगर ये एडजस्ट हो जाएगा तो हम ऑफकोर्स पहन सकते हैं कम्फर्टेबल भी ऑफकोर्स, क्योंकि मैं पहन के खेल चुकी हूँ निव्या के शूज़ पहले, लाइक निव्या के जो 800 हाँ लाइक वैसे कुछ शूज था 800-750 या वाइट एंड गोल्डन ब्लैक एंड गोल्डन या दैट शूज. हम लोग भी मतलब हॉस्टल में हम लोग को स्पॉन्सर आता था ना उसी टाइम मैं भी पहनी हूँ. लॉट ऑफ नेशनल्स विद दिस शूज शेवियर शूज बिकॉज समय कॉस्ट लो रहता था, वी कैन अफोर्ड इट. स्टार्टिंग कब बास्केटबॉल हम स्टार्ट किया ना उसी टाइम हम लोग इन द वेरी.